Hello, my dear kids. I hope you all are fine. Our today's English topic is fill in the blank with A or N. So, our first block, as you can see, a blank space, L-A-M-P, lamp. And you can see a picture of lamp here. So, my dear kids, जहाँ पर consonants हैं, वहाँ पर आप A का use करेंगे. जहाँ पर vowel है, वहाँ पर आप N का use करेंगे. जिस word की शुरुआत हो रही है, vowel से, तो आप वहां पर एन का यूज करेंगे और वर्ड की शुरुआत हो रही है कॉन्सोनेंट से तो आप यूज करेंगे ए. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर एक ब्लैंक स्पेस एल ए एम पी लैम्प इज रिटन हियर. लैम्प कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है दैट्स वाई यहां पर हम ए का यूज करेंगे. तो हम यहां लिखेंगे ए लैम्प. नाउ नेक्स्ट इज ब्लैंक स्पेस X. You can see the picture of X here. यहाँ पर हम N का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ड की शुरुआत हुई है वॉवल से. That's why we used N here. Next is blank space P-O-T pot. And you can see the picture of pot. यहाँ पर भी हम A यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी वर्ड की शुरुआत हो रही है कॉन्सोनेंट से. Next is egg. You can see a blank space egg. तो यहां पर आएगा an egg. अब यहां n हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहां पर वर्ड की शुरुआत हो रही है वॉवल से. That's why we used n here. A lamp, an x, a pot, an egg. I hope kids fill in the blank with a or n are clear to you. We will soon meet with a new topic. Stay safe, stay healthy. And do practice it at your home.